हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्रोएशिया T10 के 38वें मुकाबले और आज के दिन के दूसरे मुकाबले के बारे में बात करेंगे, जो कि खेला जाएगा सर ओलिवर स्प्लिट और LJU के बीच में। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर को आप GL में ट्राई करके जा सकते हो और कौन से प्लेयर को आप स्मॉल लीग में ट्राई करके जा सकते हो। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल वाइज कवर करेंगे, ताकि जब आप स्मॉल लीग की टीम क्रिएट कर रहे होगे तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो और आप एक बेटर टीम क्रिएट कर सकते हो। देखिए, इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर बैटिंग, जो कि लास्ट मैच में कैसा था और कौन से गेंदबाज ने आपको दो ओवर की गेंदबाजी कराकर आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल वाइज कवर करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बिना किसी एक भी पार्ट को स्किप किए, तब आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा और एक बेटर टीम क्रिएट कर सकते हो। बाकी लास्ट में मैं आपको एक डेमो टीम प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, अगर ये बात करें मैच, आपको मेलाडोस्ट क्रिकेट ग्राउंड जगरेब में खेला जाएगा। ऑलमोस्ट सारे मैचेस आपको यहीं पर खेले नजर आ सकते हैं। तो मान लो आर्टिफिशियल विकेट है तो पिच पर कोई फर्क दिखने को मिलेगा नहीं, चाहे पहला मैच हो चाहे इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच हो। अगर बात करें पिच का, तो आपको एक बैलेंस विकेट देखने को मिलेगा, जहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों आपको अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। और खासकर गेंदबाजों पर ज्यादा प्रेफरेंस देखना, क्योंकि जो क्रोएशिया के मैचेस खेलते हुए दिख रहे हैं उसमें बल्लेबाजी काफी अच्छा कर रहे हैं। बाकी देखो, अगर वीक टीम है तो एक टीम वन साइडेड भी आपको जीतती हुई नजर आ रही है। बाकी अगर पेसर और स्पिनर्स में बात किया जाए तो पेसर्स का वन साइडेड डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, जहां पेसर्स अच्छे खासे विकेट निकाल रहे हैं। तो जो भी क्वालिटी पेसर्स होंगे, डेफिनेटली उनको तो मिस मत करना, और क्वालिटी स्पिनर्स को तो अपने टीम में ट्राई करके जाना ही जाना, क्योंकि पेसर्स काफी अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रॉपर दो ओवर की गेंदबाजी मिल रही है। तो किसी पेसर पर आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो आप। बाकी अगर वेदर का बात किया जाए तो बारिश का मौसम दिखेगा। देखो, क्रोएशिया T10 में यही एक सबसे बड़ा रिस्क है कि बारिश हो जा रहा है। तो अगर मैं आपको पहली अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रखे हो तो आपको पता है कि पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि बारिश हो रहा मैच में आप इन्वेस्टमेंट मत करना। तो आप अगर जुड़ जाओगे तो आपको सब कुछ वहीं पर अपडेट मिल जाएगा, प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर कैसा है प्लेयर टीम का, एंड कौन सा गेंदबाज आपको दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिख सकता है, और कोई नया प्लेयर्स खेलता है तो मैं आपको स्टैट्स भी शेयर कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो। बात करें अगर एवरेज स्कोर का, तो 114 रन का है, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पिच के हिसाब से, क्योंकि जैसे अगर क्रोएशिया T10 में बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से 114 रन काफी अच्छा स्कोर माना जाएगा। टोटल 38 विकेट गिरे हैं लास्ट के 5 मैचेस में, जिसमें 32 विकेट आपको पेसर्स ने और 6 विकेट आपको स्पिनर्स ने पिक कर रखा है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात किया जाए तो ऑलमोस्ट 80% विकेट आपको पेसर्स पिक कर रहे हैं और सिर्फ 10-12% विकेट आपको स्पिनर्स पिक कर रहे हैं। आप 80% प्लस मान सकते हो, क्योंकि वैसे ही विकेट निकालते हुए नजर आ रहे। तो अगर मान लो पेसर्स पे रिस्क लेना हो तो, और स्पिनर्स को डेफिनेटली क्वालिटी स्पिनर्स को अपने टीम में ट्राई करके चलना। बाकी सर ओलिवर स्प्लिट की टीम ने 5 मुकाबले खेले और 5 के 5 मुकाबले जीत करा रहे। एक स्ट्रॉन्ग टीम है सर ओलिवर स्प्लिट की टीम, इनमें ऐसे ऐसे प्लेयर लाइक मानव नायक, कासिर सैयम, सैम हाउटन जो कि टीम के कैप्टन है, एन बक्स, एम अल मामून, जो अच्छे अच्छे प्लेयर अवेलेबल है। वहीं पर अगर LJU की बात किया जाए तो अगर ये प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर और प्रॉपर टीम के साथ उतरे तो ये भी एक बेस्ट टीम बन सकती है। तो हमें इस मैच में एक बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है, जहां दोनों तरफ से अच्छी गेंदबाजी और अच्छे बल्लेबाजी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें रिसेंट में LJU की तरफ से, तो 5 मैच इन्होंने खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबला इनका रद्द रहा है और 1 मुकाबले हार करा रहे हैं। मैक्सिमम मैचेस बारिश की वजह से रद्द हो रहे हैं, तो यही एक नुकसान हो जा रहा है, बट अगर बारिश होता है तो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें हेड टू हेड में, तो 5 मुकाबले खेले गए इन दोनों टीम्स के बीच में लास्ट के 5 साल में, और वो 1 मुकाबले सर ओलिवर स्प्लिट की टीम ने जीते हैं और 4 मुकाबले आपको LJU की टीम ने जीता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि LJU की टीम यहाँ पर तो बेटर दिख रही है, बट अगर रिसेंट में अगर प्लेयर्स के परफॉर्मेंस देखा जाए तो सर ओलिवर स्प्लिट की टीम काफी बेटर हमें नजर आएगी। तो हम सर ओलिवर स्प्लिट के मैक्सिमम प्लेयर्स ट्राई कर सकते हैं, जो क्वालिटी क्वालिटी प्लेयर्स होंगे डेफिनेटली अच्छा करते हुए इस मैच में दिख जाएंगे। बात करें टॉप पिक इस मैच में कौन कौन से रहेंगे, तो एम नायक जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट लास्ट मैच इन्होंने खेला था उसमें भी रन स्कोर करके आ रहे हैं, और पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने वन साइडेड परफॉर्मेंस किया सैम हॉटन सर ओलिवर स्प्लिट के तरफ से, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। के सैयम लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी किया था इन्होंने और अच्छे खासे विकेट निकाले, और बल्लेबाजी में भी नंबर 4 तक बल्लेबाजी करने आ जाते हैं, कभी कभार टीम इनसे ओपनिंग भी करवा देती है। सेम एन बक्स लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी कराए थे, 5 रन दिए थे और 1 विकेट पिक किया था। हाँ, बल्लेबाजी से फ्लॉप हो गए थे, ओपनिंग आए थे जबकि 5 रन पे आउट हो गए थे, बट अगर ये टिक जाते हैं तो वन साइडेड टीम को जिता देते हैं।
मतलब सर ओलिवर स्प्लिट की टीम को, तो इधर से तीन और एक सैम हाउटन, चार आपके पास डिफॉल्ट ऑप्शन हो सकते हैं सर ओलिवर स्प्लिट की टीम से। बाकी एलजेयू की तरफ से बात करें तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको आर सिंह अवेलेबल होंगे, डेफिनेटली काफी अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने स्टैट्स इनका दिखाया था 63-67 ऐसे ऐसे रन स्कोर करके आ रहे हैं आर सिंह, तो डेफिनेटली इनको मिस मत करना, अपने टीम में बाय डिफॉल्ट इनको ट्राई करके जा सकते हो। इजाज अली जो कि नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे और एक से दो ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। डेफिनेटली इनको जीएल में कैप्टन सर्वाइस कैप्टनसी करना, स्मॉल लीग में सिर्फ इनको ट्राई करके जा सकते हो। बाकी अब्दुल हसन देखो नंबर चार पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले मैच में ओपनिंग फिर नंबर चार पर बल्लेबाजी, यही इनका रिस्क है। अगर ये नंबर मतलब ओपनिंग बैटिंग करते तो दो ओवर की गेंदबाजी प्लस ओपनिंग आपके लिए डिफॉल्ट चॉइस और कैप्टन सर्वाइस कैप्टनसी के भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। चलो मैं आपको लाइनअप दिखा देता हूं लास्ट मैच में जो लाइनअप है, बट अगर जो प्रॉपर आपको लाइनअप चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। बात करते हैं सर ओलिवर स्प्लिट की तरफ से, तो एन बक्स जो कि ओपनिंग प्लस दो ओवर की गेंदबाजी तो डिफॉल्ट चॉइस रहेंगे और कैप्टन सर्वाइस कैप्टनशिप पे भी इनको रिस्क ले सकते हो। एम नायक इस मैच के सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन, अगर कोई कैप्टनशिप के हैं तो आपके एम नायक है डेफिनेटली एक कैप्टनशिप के सबसे अच्छे चॉइस रह सकते हैं। बाकी यहाँ पर एस दिलवर दिख रहे हैं वन डाउन, बाकी यहाँ पर एम अल मामून आएंगे, इन्होंने जो लास्ट सेकंड मुकाबला खेला था उसमें 89 की एक बेहतरीन पारी खेली थी, तो यहाँ पर एम अल मामून को ट्राई करके चलना है। यहाँ से एस दिलवर खेलेंगे भी तो बैटिंग ऑर्डर इनका नीचे रहेगा। बाकी के सैयम दो ओवर की गेंदबाजी प्रॉपर इन्होंने लास्ट मैच में किया था और विकेट निकाल कर आ रहे हैं, और ओपनिंग में बल्लेबाजी या नंबर चार या नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो एक अच्छे और डिफॉल्ट चॉइस आपके टीम के लिए रह सकते हैं। अब्दुल बासित दो ओवर की गेंदबाजी प्रॉपर ये करते हैं, देखो इनको दो दो ओवर कन्फर्म, एन बक्स, एम नायक, के सयम और अब्दुल बासित, ये चार ओवर कन्फर्म होगा जो दो दो ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं। बाकी के अधिकारी वेस्ट पिक रहेंगे, एम मधुर वेस्ट पिक, एम जॉनसन वेस्ट पिक और एम सिद्धू, ये दो ओवर की गेंदबाजी करते हुए इस मैच में दिख जाएंगे। बाकी ए आर मुरुगन कोई अच्छे चॉइस नहीं है और ए भट्ट भी अच्छे चॉइस नहीं है। देखो अगर एस हाउटन खेलते हैं या फिर यहाँ से एम अल मामून तो और यहाँ से एम बुरहान, ये तीन एक डेफिनेटली अच्छे चॉइस इनके बेंच में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। एस हाउटन तो टीम के कैप्टन भी है जो कि अगर खेलते हैं तो उनमें से एक को ओवर कट सकता है, एक से दो ओवर, और ये आपको एक से दो ओवर गेंदबाजी कराते हुए दिख सकते हैं। बाकी एम अल मामून डेफिनेटली खेलेंगे तो हम अपने टीम इनको बाय डिफॉल्ट चॉइस के रूप में ट्राई करेंगे। बाकी अगर बात करें एलजेयू की तरफ से तो आर सिंह अब्दुल हसन दोनों डिफॉल्ट चॉइस के रूप में हम अपने टीम में ट्राई करेंगे, ओपनिंग कर रहे हैं इसके वजह से, और इजाज अली, ये तीन प्लेयर को अपने टीम में बाय डिफॉल्ट, और यहाँ से करण को चार को कह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट अपने टीम में ट्राई करके चलना। एलजेयू की तरफ से एम ताहिर, इनका कंफर्मेशन नहीं रहता बैटिंग ऑर्डर, हाँ ऑर्डर की बात करूं, और एक से दो ओवर की गेंदबाजी एक्सपेक्ट करना उससे ज्यादा नहीं। आर जहूर अच्छे चॉइस ने जेल में ट्राई करके चलना, अजय शर्मा और टी ओमकार नाथ, ये दोनों चॉइस आपके लिए बेहतरीन रह सकते हैं। डेफिनेटली इन दोनों को आप बाय डिफॉल्ट आप स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना। ओ राज और यहाँ से सी इरशाद, इन दोनों में से किसी एक पर रिस्क ले सकते हो, ओ राज का बॉलिंग थोड़ा सा कंफर्म रहता है इसकी वजह से हम उन पर रिस्क लेके ज्यादा जा सकते हैं इस मैच में। चलो टीम की बात कर लेते तो हम एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं कि एस हाउटन और यहाँ से एम अल मामून खेलते हुए नजर आएंगे, इसके वजह से मैं आर सिंह और एस हाउटन को अपने टीम में ट्राई करके जाऊंगा। बाकी एन बक्स, अजय शर्मा, ये दोनों बाय डिफॉल्ट चॉइस रहेंगे और एम अल मामून डेफिनेटली इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे और एक अच्छे चॉइस इस मैच के लिए आपके पास रह जाएंगे। बाकी के सैयम, एम नायक, करण और ये तीनों को मैंने ट्राई कर रखा है, तीनों डिफॉल्ट चॉइस रहेंगे, ये तो कैप्टन सर्वाइस कैप्टनसी के भी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। बाकी इजाज अली और अब्दुल हसन को मैंने ट्राई कर रखा है, बाकी यहाँ से मैं अब्दुल हसन और इजाज अली में किसी एक पर रिस्क लेके चलना है तो अब्दुल हसन पे ही रिस्क लेके जाता हूँ मैं। बाकी टी ओमकार नाथ जो कि लास्ट मैच में खेला था, इन्होंने तीन विकेट निकाले थे, और यहाँ से अब्दुल बासित को मैं ट्राई करूँ, एक बैटर को और ड्रॉप करूंगा और यहाँ से मैं एक बैट्समैन और पिक करूंगा एस सिद्धू, जिनको तीन और दो ओवर का ऑलमोस्ट कन्फर्म मिलता है, इस वजह से तीनों बॉलर को मैं अपनी टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जा सकता हूँ। बात करें कैप्टन से वाइस कैप्टन से के लिए तो कैप्टन से का सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन आपके पास एम नायक होंगे, तो डेफिनेटली आप इनको कैप्टन से वाइस कैप्टन से देके जा सकते हो। वाइस कैप्टन से 50% लोग के सैयम को कर रहे हैं, देखो के सैयम तो डेफिनेटली वाइस कैप्टन से के अच्छे चॉइस रहेंगे ही रहेंगे। बाकी एन बक्स जो कि दो ओवर की प्रॉपर गेंदबाजी और ओपनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एन बक्स पे एक रिस्क आप लेके जा सकते हो इस मैच में, आपके लिए वन साइडेड या तो जिता सकते हैं या तो हरा सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रख के चलना। तो कैप्टनसी मैं इनको दे देता हूँ, वाइस कैप्टनसी करण मतलब के सैयम को दे देता हूँ। टी हबी के लिए हमारी टीम बन गई जिसमें विकेट कीपिंग सेक्शन से सैम हाउटन और आर सिंह को ट्राई कर रखा, वही एन बक्स और अजय शर्मा को बैटिंग सेक्शन से, ऑलराउंडर सेक्शन से इजाज अली, एम नायक, के सैयम और करण को ट्राई कर रखा है, चारों डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में ट्राई कर रखा है। आप चाहो तो इजाज अली के प्लेस पे
अब्दुल हसन को ट्राई करके जा सकते हो। बाकी बैटिंग से बॉलिंग सेक्शन में टी ओमकारनाथ, अब्दुल बासित और एस सिद्धू। देखो अगर आप अब्दुल हसन को ट्राई करना चाहते ही हो तो यहाँ से टी ओमकारनाथ भी एक अच्छे चॉइस है, इनके प्लेस पे आप अब्दुल हसन को ट्राई करके जा सकते हो। बाकी कैप्टनशिप एम नायक और वाइस कैप्टनशिप के सैयम है, अगर मान लो इन दोनों में से कोई नहीं खेलता है तब अब वाइस कैप्टनशिप एन बक्स को, आर सिंह को आप ट्राई करके जा सकते हो इस मैच में। बाकी मिलते हैं आफ्टर टॉस के बाद टेलीग्राम पे फाइनल टीम के साथ विद प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब कुछ चेकआउट कर लेना एक बार जाके। ताकि वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।